अलीगढ़ उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यह शहर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। इसे पूरे भारत में ताला नगरी के रूप में जाना जाता है। यह शहर कानपुर से 203 किलोमीटर की दूरी पर है और नई दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जहाँ मुस्लिम आबादी सबसे अधिक रहती है और इस शहर को भारत के 55वें सबसे बड़े शहरों में से एक गिना जाता है। फ्रेंड, यह नगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को विश्व भर में लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, इस विश्वविद्यालय में विश्व भर से कई छात्र पढ़ने आते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ शहर अपने तालों के निर्माण के लिए भी दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। हालांकि इस बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, इससे पहले हम अलीगढ़ का इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, अलीगढ़ का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी किया गया है। उस दौरान इसे कोइलयाकोल के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड, अलीगढ़ शहर का वर्तमान नाम नजफ खान ने रखा है। हालांकि इससे पहले भी अलीगढ़ के कई नाम रखे गए थे। 1717 ईस्वी में अलीगढ़ को साबितगढ़ के नाम से जाना जाता था। आगे जाकर 1757 में इसका नाम जाटों द्वारा रामगढ़ कर दिया गया। इसी तरह इसके नामकरण का सिलसिला साल दर साल बदलता रहा और आज इसे अलीगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। और आज अलीगढ़ शहर की वर्तमान जनसंख्या 42 लाख के लगभग है, जिसमें पुरुषों की संख्या 22 लाख के लगभग है, वहीं महिलाओं की जनसंख्या 19 लाख के लगभग है। और ये शहर लगभग 3788 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुआ है। दोस्तों, अलीगढ़ के ताले अपने अलग अलग डिजाइन और विविधताओं के लिए पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। दरअसल 130 साल पहले जॉनसन एंड कंपनी ने यहाँ तालों का व्यापार शुरू किया था। वर्तमान समय में अलीगढ़ के ताले देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। यही वजह है कि अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अलीगढ़ में कई कंपनियां मौजूद हैं जो कि तालों का निर्माण करती हैं। तालों के व्यापार से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार हासिल होता है। तालों के बिजनेस में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं और मिलजुल कर ताला बनाने का काम करते हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों से ही ताले के निर्माण का कार्य करते हैं। जैसे कि कोई ताले को पॉलिश करता है, कोई ताला बनाता है, तो वहीं कोई चाबी को आकार देने का कार्य करता है। ये सभी कार्य अलग अलग लोग अपने घरों से ही करते हैं। इसके साथ ही अलीगढ़ एक कृषि व्यापार केंद्र भी है, जहाँ कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और विनिर्माण महत्वपूर्ण है। इसके आसपास के क्षेत्रों में गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों, इनके अलावा अलीगढ़ रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य स्टेशन है। दिल्ली और कोलकाता में आने जाने का मार्ग भी इसी से होते हुए जाता है। यह इस मार्ग का सबसे पुराना स्टेशन है। इससे आप अलीगढ़ से होते हुए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर और अन्य सभी जगहों पर भी जा सकते हैं। अलीगढ़ में कई प्रमुख पर्यटन स्थल मौजूद हैं। इस शहर के बीचों बीच टोरगढ़ नामक एक प्राचीन किला मौजूद है। हालांकि यह अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा यहाँ बोनाचोर किला, जिसे अलीगढ़ किला के नाम से जाना जाता है, शेखा झील, नौ देवी मंदिर, मंगल यात्रा मंदिर, जामा मस्जिद जैसे कई दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं। दोस्तों, पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।